काफी सवालों का जवाब हो गया हूँ मैं, काफी सवालों का जवाब हो गया हूँ मैं, पहले से ज्यादा खराब हो गया हूँ मैं। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप बोलने वाला टेक्स्ट वीडियो कैसे बना सकते हो, जिसमें आप बोलोगे भी और टेक्स्ट भी लिखा होगा, जैसा कि आपने वीडियो के शुरू में देखा। तो चलिए आपको बनाना सिखाते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो चलिए बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले आपको ब्लैक एंड वाइट वीडियो शूट कर लेना है, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट पे ही टेक्स्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, तो ब्लैक एंड वाइट वीडियो आपको शूट कर लेना है, अच्छा सा कोई भी डायलॉग या शायरी वाला, ठीक है। फिर उसके बाद किस तरह के, देखिए मैंने शूट करके रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। पीठ पीछे भोगने वालों, आगे बढ़ पाओगे क्या? मेरे यहाँ एक कुत्ते की जरूरत है, तुम आओगे क्या? तो देखा आपने, मैंने बहुत कमाल की शायरी रिकॉर्ड करके रखी। अब इसी शायरी को आपको टेक्स्ट में भी लिख लेना होगा। वो किस तरह लिखेंगे वो आपको बताते हैं, तो चलिए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग को उसके लिए जाना पड़ेगा पिक्सल लैब में। पिक्सल लैब में जाने के बाद हम लोग सब कुछ अलाउ कर देंगे, आप पिक्सल लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद डिलीट का बटन दबाएंगे, ऊपर डिलीट का बटन दिख रहा होगा, उसके बाद आपको 3 डॉट आपको दिख रहा होगा राइट साइड कॉर्नर पे ऊपर, ठीक है। आपको राइट साइड कॉर्नर पे 3 डॉट ऊपर दिख रहा होगा, उस पर टच करना है, इमेज साइज पे आ जाना है 5वें नंबर पे, इमेज साइज सेलेक्ट करके उसके बाद कस्टम पे टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर यूट्यूब थंबनेल का साइज लेना है और ओके दबा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे साइड आपको एक नीचे साइड सेकंड नंबर पर आपको 2 बॉक्स दिख रहे होंगे स्क्वायर कलर स्क्वायर तरीके के, तो उस पर आपको टच करना है, ठीक है। टच करने के बाद आपको यह कलर दिख रहा होगा लेफ्ट साइड किनारे, कलर पर टच करना है। उसके बाद आपको ऊपर कलर का बटन दिख रहा होगा, कलर पर टच करना है। उसके बाद आपको यहाँ व्हाइट कलर सेकंड नंबर पर आपको दिख रहा हो, व्हाइट कलर पर टच कर देना है, तो ये व्हाइट हो जाएगा। उसके बाद टिक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे लेफ्ट साइड से सेकंड नंबर पे ए का निशान दिख रहा होगा, ए बना होगा, उस पर टच करके, ठीक है, आपको ऐसे टच करना है। उसके बाद आपको टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा प्लस बना के, उस पर टच करना है। उसके बाद आपको जो शायरी आपने वीडियो में बोली है उसको आपको यहाँ पर लिख लेना है, तो मैं पहले उसे लिख लेता हूँ। कहाँ पर, जैसे हम लोग एडिट पर क्लिक करेंगे सेकंड नंबर पर आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर टच करेंगे तो यहाँ पर ऐसे इस तरह खुल जाएगा, फिर यहाँ पर आपको वो शायरी लिख लेनी होगी। तो मैं यहाँ पर वो शायरी लिख लेता हूँ जो मैंने वीडियो में बोला है, तो इस तरह से लिख जाएगा। इस तरह से लिखने के बाद आपको टेक्स्ट पर टच करना होगा, फिर इसको हम लोग को सेंटर पे ऐसे करना होगा, इस तरह से इसको स्क्वायर करके बीच में लेके आना होगा ऐसे करने के बाद, ठीक है, इस तरह कर लेंगे। उसके बाद हम लोग इसको लेफ्ट साइड स्क्वायर करेंगे नीचे, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा एल्गिन का, ठीक है। एल्गिन के ऑप्शन में आपको टच करना है, एल्गिन के ऑप्शन जैसे टच करोगे एक उस तरह 3-4 की लाइन दिखाई देगी, तो बीच वाली जो लाइनें खींची उस पर आपको टच करना है, तो ये सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करना है, आपको यहाँ पर ये आपको फॉन्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है, बी के बगल में फॉन्ट का ऑप्शन, फॉन्ट पर टच करना है। आपको अच्छा सा फॉन्ट लेना है, तो मैं आर्म रेसलर कर लूँगा, आप जो भी लेना चाहते हो आप ले सकते हो, तो आर्म रेसलर का मैंने यहाँ पर ले लिया है। तो इस तरीके से लेने के बाद हम लोग जाएंगे, फिर इसको लेफ्ट साइड पर राइट साइड पर स्क्रॉल करोगे, आपको कलर का ऑप्शन दिख रहा होगा, कलर पर टच करने के बाद आपको यहाँ फर्स्ट नंबर ब्लैक दिख रहा होगा, पूरे को हम लोग पहले ब्लैक कर लेंगे, ठीक है। ब्लैक करने के बाद अब इसमें से कुछ कुछ हिस्सा हम लोग को यहाँ पर रेड करना है, तो हम लोग नीचे सरकाएंगे इस कलर वाले ऑप्शन को। नीचे सरकाने के बाद जैसे कि हमें पीठ पीछे भौंकने वालों, ठीक है, पीठ पीछे भौंकने को हम लोग रेड करेंगे, ठीक है। तो पीठ पीछे भौंकने को हम लोग यहाँ पर रेड सेलेक्ट करेंगे, इस तरह से उंगली से आप इसको पकड़ के जितना हिस्सा रेड करना है उसको टच कर सकते हो, तो पीठ पीछे भौंकने को हम लोग रेड कर देंगे, तो रेड पे टच करेंगे ऐसे सेलेक्ट करके, इतना सेलेक्ट कलर चेंज करना उतना सेलेक्ट करके आपको अपने कलर पे टच कर देना है। तो मैंने यहाँ रेड पे टच किया तो उतना देखिए रेड हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर और आगे जाना है, देखिए यहाँ पर दूसरा रेड भी है, चाहे तो इस तरह का पिंक भी कर सकते हैं, आपका जो फेवरेट कलर हो आप कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर रेड ही रहने दूंगा। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर जो क्या का ऑप्शन है उसको रेड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या जो वहाँ पर है उसे हम लोग पहला वाला क्या जो लिखा है हमने उसको हम लोग ऐसे टच करेंगे और यहाँ पर उसको भी रेड कर देंगे। उसके बाद हम लोग फिर से यहाँ तक रेड करेंगे, ठीक है, यहाँ तक हम लोग रेड करेंगे मेरे घर पर कुत्ते की, तो मेरे घर पर कुत्ते की हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे घर पर कुत्ते की सेलेक्ट करने के बाद उसको हम लोग इस तरीके से उसे रेड कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या जो लास्ट वाला है उसको भी रेड कर देंगे, ठीक है, लास्ट वाला जो क्या है उसको भी हम लोग रेड कर देंगे, सेलेक्ट कर गए तो यहाँ रेड हो गया, देखिए कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से कुछ दिखाई दे रहा है, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे करके
इसको हम लोग इस तरह से सेट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग ऊपर सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, सेव का ऑप्शन पे टच करना है, ठीक है। सेव के ऑप्शन में टच करने के बाद यहाँ पर सेव के ऑप्शन पे जैसे ही टच करोगे ऊपर ऊपर आपको प्लस आइकन दिख रहा होगा लेफ्ट साइड कॉर्नर पे, उसके सेकंड नंबर मेमोरी का एक टाइप का लोगो बना हुआ है उस पर टच करना है। उस पर टच करोगे तब कुछ तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, फिर सेव एज अ इमेज पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको कस्टम पे टच करना है, कस्टम टच करने के बाद अल्ट्रा पे टच करके और इसको सेव टू गैलरी हरारा दिख रहा होगा उस पर सेव टू गैलरी को कर देना है। जैसे आप सेव टू गैलरी कर दोगे तब ऐड चलेगा, ऐड के बाद आपका चीज हो जाएगा। तो ऐड को हम लोग कट करेंगे, ठीक है। ऐड को हम लोग ने यहाँ पर कट कर दिया है, ठीक है, कट का ऑप्शन करके, तो हमारा यहाँ पर गैलरी में सेव हो चुका है वो चीज़, तो हमने कट कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये हो नहीं रहा है तो हम लोग पिक्सल हम लोग का वो जो हम लोग बनाए थे हम लोग का गैलरी में चला गया। तो आपको उसके लिए अब दूसरे ऐप की जरूरत पड़ेगी उस वीडियो में जोड़ने के लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ कैनवा पे जाना होगा। कैनवा भी आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, ये देखिए ये है कैनवा, आपको मैं स्क्रॉल करके दिखा दूँ, ठीक है। इस कैनवा को खोल लेंगे, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद आपको कैनवा पे जाने के बाद इसका ओपन करना है। जैसे आप कैनवा ओपन करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा, आप अपना लॉगिन कर लेना जीमेल से, ठीक है। मैं भी लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई होगा, तो आपको यहाँ पर कुछ सारे साइट दिखाई देंगे, तो इसमें आपको यहाँ पर इंस्टाग्राम स्टोरी दिख रहा होगा, उस पर आपको टच कर देना है। जैसे आप इंस्टाग्राम स्टोरी पे ऐसे टच करोगे तो इस तरह का ऑप्शन खुल जाएगा, तो आपको ब्लैंक वाले पे टच कर देना है। ब्लैंक वाले पे टच करने के बाद आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, जैसे ब्लैंक वाले पर टच करोगे तो ऐसा आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से इसको बैक का बटन नीचे दबा देना है। दबाने के बाद आपको यहाँ नीचे प्लस का आइकन दिख रहा होगा लेफ्ट साइड, प्लस का आइकन पे आप टच करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना होगा, अपना गैलरी खोलना होगा, ठीक है। नीचे आपको थर्ड नंबर पे अपना गैलरी दिख रहा होगा, तो जैसे आप गैलरी पर टच करोगे और अलाउ का बटन करोगे उसके बाद आपकी गैलरी यहाँ पर खुल जाएगी, ठीक है। फिर आप जो भी ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो शूट करे थे उसको आप यहाँ पर ले लोगे। तो हमने ये देखिए शूट किया है, इसको हम लोग टच कर लेंगे ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला, और यहाँ पर इसको ले लेंगे, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है, आवाज कम कर दूँ तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से होगा। फिर इसको आपको पुलिस से इस तरीके से इसे सेट कर लेना है, ठीक है। पूरे ये जो व्हाइट व्हाइट दिख रहा है उसको पूरा कवर कर लेना है, ठीक है, इस तरह से कर लेना है। उसके बाद आपको स्क्रीन पे साइड में टच कर देना है, ठीक है। टच करने के बाद फिर आपको इस तरीके से टच कर देना है। टच करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से प्लस आइकन पे टच करना है। प्लस आइकन पे जैसे आप टच करोगे उसके बाद फिर आपको थर्ड नंबर अपने गैलरी में जाना है, और पिक्सल लैब का जो आपने बनाया था वो आपको ऊपर ही दिख रहा होगा। पिक्सल लैब से व्हाइट कलर का जो टेक्स्ट बनाया था उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसको इस तरीके से फिर हम लोग यहाँ पर उंगली से खींच के इसको हम लोग इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हम लोग थोड़ा ऊपर करेंगे, ये थोड़ा सा इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे क्योंकि नीचे यूजर नेम भी आता है, तो ये थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि यूजर नेम से वो छुपे ना, इस तरीके से हम लोग लगा देंगे, ठीक है। लगाने के बाद इस तरीके से हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस तरह हो गया। उसके बाद आपको ऊपर आपको एरो का बटन दिख रहा होगा राइट साइड कॉर्नर पे, उस एरो को बटन ऊपर की तरफ एरो बना हुआ है राइट साइड कॉर्नर पे बैंगनी कलर का, उसके हम लोग टच करेंगे। उस पर जैसे ही टच करेंगे इस तरह का ऑप्शन हमको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव कर लेना है, ठीक है। सेव एज पे टच करना है, तो फर्स्ट नंबर पे सेव एज दिख रहा है उस पर टच करना है, ठीक है। MP4 वीडियो आपको नजर आ जाएगा। उसके बाद डाउनलोड का बटन आपको नीचे दिख रहा होगा पर्पल कलर का, उसको हम लोग डाउनलोड पे टच कर देंगे। तो ये देखिए ये वीडियो आपके गैलरी में सेव होने लगा है। तो ये देखिए ये वीडियो यहाँ पर सेव होने लगा है। तो देखिए ये वीडियो सेव हो चुका है। अब आपको हम गैलरी से ये प्ले करके दिखाते हैं। तो ये देखिए हम लोग अपने गैलरी पर आ गए हैं। तो हम लोग कैनवा वाला फाइल खोलेंगे और ये वीडियो हम आपको प्ले करके दिखा देते हैं। पहले हम लोग आवाज तेज कर लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। पीठ पीछे भोगने वालों आगे बढ़ पाओगे क्या? मेरे यहाँ एक कुत्ते की जरूरत है, तुम आओगे क्या? लोको तुम है रुना पैर रुना दियावला। पीठ पीछे भोगने वालों आगे बढ़ पाओगे क्या? तो आपने सुन लिया होगा, आपको काफी अच्छा लगा है। देखिए यहाँ पर इससे फायदा ये है कि अगर कोई आपका रील्स पे देखेगा तो आपका आवाज सुन के भी लाइक करेगा। मान लीजिए आवाज उसने म्यूट किया है तो उसको शायरी लिखी दिख जाएगी, वो शायरी पढ़ के भी आपको लाइक करेगा। और मान लीजिए वो अपने फीड से देख रहा है, न्यू फीड से देख रहा है, इंस्टाग्राम होम से आपका अगर देख रहा है तो आपको
और अगर वो आपको होम के बटन से देखेगा, इंस्टाग्राम के होम के पेज से देखेगा, तो वहाँ तो आवाज़ सुनाई नहीं देती है, तो आपका ये टेक्स्ट लिखा दिखाई देगा, तो वहाँ से भी वो लाइक कर सकता है। तो आपका चाहे न्यू फीड से इंस्टाग्राम से कोई देखे, चाहे रील्स से ऐसे देखे, चाहे रील्स को म्यूट करके देखे, उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि आपके वीडियो में क्या है। अगर उसने म्यूट करके रील्स देख रहा है तो आपका शायरी पढ़ के वो आपको वीडियो लाइक कर देगा, और अगर आवाज़ सुन रहा है तो फिर तो आपको आवाज़ सुनेगा ही। और न्यू फीड से देख रहा है, होम से देख रहा है, इंस्टाग्राम से, तो वहाँ से आपका टेक्स्ट पढ़ के भी आपको लाइक दे सकता है। तो ऐसे लाइक बढ़ने का चांस है और वीडियो की रेंज बढ़ने की चांस है, आपका वीडियो वायरल होने का ज़्यादा चांस होता है। जितना अच्छा तरीके से आप बोलोगे शायरी को, उतना ही बेहतर आपका वीडियो चलेगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इंस्टाग्राम से रिलेटेड वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।